पूरा एक जगह की बोलने की व्यवस्था है। उत्तर के पूर्वाय में बाढ़ पीड़ितों से मिले शिवराज सिंह चौहान। नमस्कार, मैं कुलदीप साहू और आप देख रहे हैं ता खबरदार न्यूज। मध्य प्रदेश में भारी बारिश के चलते शिवराज सिंह चौहान ने बाढ़ पीड़ितों की हर प्रकार से संभव मदद करने का ऐलान किया है। आइए देखते हैं क्या कहा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। सभी प्रिय बहनों और भाइयों, बहने बेटियों, नहीं जा रहे। कल भी मैं आया था, आपने देखा होगा, पुरवाई में पानी भरा था, आस पास के सब गाँव देखते हुए आया था। तब से मेरा मन बेचैन था कि कैसे आपके पास पहुँच जाऊँ, और इसलिए आज कई जगह से होते हुए आपके बीच आप सबको ये कहने आया हूं। घरों में पानी घुसाए, खेतों में पानी घुसाए, फसलें भी बर्बाद हुई है, सामान भी खराब हुआ है, किनारे के कच्चे घरों में भी भारी नुकसान हुआ है। अब जैसे ही पानी उतरना शुरू हो गया, पानी उतरेगा, हम पूरा सर्वे करवाएंगे और सर्वे करवा के फसलों का भी सर्वे होगा, तो फसलों के भी नुकसान की भरपाई करेंगे, फसल बीमा योजना का पैसा भी दिलाएंगे, और जिनके घरों में सामान का नुकसान हुआ है तो सामान का भी राहत की राशि दूंगा। अगर भगवान ना करे घर गिर गया तो घर भी फिर से खड़ा करवाऊंगा, उसको बनाने के लिए भी पैसा दूंगा, बिल्कुल चिंता मत करना। सामान का नुकसान हुआ हो, अनाज का नुकसान हुआ हो, क्योंकि घर में घर गृहस्थी का पूरा सामान ही बह गया, गेहूं हो, दाल हो, बाकी सारी चीजें वो भी चलेगा, कहीं के तो कपड़ा लत्ता भी चले गए होंगे। तो इसलिए मैं यही कहने आया हूं कि आप चिंता मत करना, संकट है लेकिन मामा इस संकट के पार आपको निकाल के ले जाएगा, ये भरोसा आया हूं। और इसलिए मैं बेचैन था कि कैसे भी आपके पास पहुंच के आपको भरोसा दिला दूं। अब पानी उतरते ही सर्वे करेंगे, बाकी सारी चीजें करेंगे, और कोई को ज्ञापन देने की जरूरत नहीं, मैं खुद ही आया हूं। तो एक एक घर का बिल्कुल पारदर्शिता के साथ सर्वे होगा और सर्वे की सूची लगेगी सार्वजनिक रूप से, और कोई को आपत्ति होगी तो उसकी भी सुनवाई होगी। सांसद जी साथ है, विधायक जी साथ है, जिला प्रशासन, चूंकि विदिशा के कलेक्टर तो वहां फंसे हुए हैं इसलिए वो नहीं आ पाए, लेकिन बाकी सारा प्रशासन यहाँ है, हम सब मिलजुल के आपदा में कोई मतभेद नहीं, सब मिलकर एक है, अपन कोई भेदभाव नहीं कोई के साथ, सबका भला होगा। और युवा मोर्चा ने, सामाजिक संस्थाओं ने, जनप्रतिनिधियों ने व्यवस्था बनाने में बहुत साथ दिया, मैं उनका हृदय से धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। ऐसी खबरों से बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें द खबरदार न्यूज। धन्यवाद। प्रदेश में अब बाढ़ की स्थिति कई जिलों में सुधर रही है, पानी नीचे उतर रहा है, लेकिन अभी भी भिंड और मुरैना दोनों जिलों में, चंबल में पानी लगातार बढ़ रहा है, और बढ़ने का एक कारण ये भी है कि यमुना जी में काफ़ी पानी आ रहा है, और यमुना जी के तेज प्रवाह के कारण, ज़्यादा पानी के कारण चंबल का पानी यमुना जी में तेजी से पहुंच नहीं पा रहा है, बैक वाटर आने के कारण भिंड में और मुरैना में दोनों में चंबल नदी का जल स्तर बढ़ रहा है। गांधी सागर और कोटा से अब पानी बहुत कम छोड़ा जा रहा है, लेकिन यमुना जी के कारण ये स्थिति बन रही है। हम पूरी तरह से सतर्क और सावधान हैं। श्योपुर में चंबल में पानी घटना शुरू हुआ है, लेकिन भिंड और मुरैना में बहुत सावधानी की जरूरत है। जिला प्रशासन, NDRF, SDRF, होमगार्ड के जवान, नीचे तक की टीम, कलेक्टर्स, SP, हमारे जनप्रतिनिधि, मंत्रीगण,
सब लगातार सतर्क है। मैं दोनों जिलों की जनता से भिंड और मुरैना ये अपील करना चाहता हूं कि पानी अभी बढ़ने की संभावना है और अब पानी बढ़ेगा तो फैलेगा बहुत, और इसलिए अपने जीवन की सुरक्षा के लिए वो जिला प्रशासन का आग्रह स्वीकार करें। और जिला प्रशासन दोनों जिलों में लगातार ये प्रयत्न कर रहा है कि वो नीचे स्थान जहां पानी भरने की संभावना है वहां से जनता को निकाल के ऊपर ले आए। हम वोट से भी लोगों को निकाल रहे हैं, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम है, लेकिन हमने 3 सेना के हेलीकॉप्टरों की व्यवस्था भी की है। आज मुरैना में एक टापू से हम लोगों को निकाल रहे हैं। मेरी अपील यही है कि वोट से अगर निकालने की बात कहें प्रशासन के लोग तो वोट से बाहर आए, जहां जरूरत पड़ेगी हेलीकॉप्टर से भी, सेना के हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाएगा। कृपया करके सहयोग करें, कोई निचले स्थानों पर रहने की जिद ना करे। आपका जीवन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और सावधानी में ही सुरक्षा है। हम हर पल आपके साथ खड़े हैं, लेकिन आप भी प्रशासन के आग्रह को स्वीकार कीजिए और जरूरत पड़े तो अपने गांव से बाहर निकलिए, राहत कैंप में आइए। बहुत सारी व्यवस्थाएं हम कर रहे हैं।